तो सबसे पहले मेरे को एक मन में सवाल आया, अभी जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आपने बोला कि आपने गंगाजल लेके आए थे आप, तो मतलब ऐसा क्यों? मतलब मुझे पता है गंगाजल का महत्व क्या हाँ, है, बट बिल्कुल। क्योंकि देखिए सर, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस करा है अबाउट नेगेटिव एनर्जी और उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में। तो मेरा ये मानना है कि जो डिसीजेज होती हैं वो लाइफ में सिर्फ दो वजह से होती हैं, कर्मा और नेगेटिव एनर्जी। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि वो डिसीज़ आती कैसे है? ऑफकोर्स जब डिसीज़ आप कोई गलत इंग्रेडिएंट्स लेंगे बॉडी में या गलत एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे तब आपके अंदर कोई डिसीज़ आएगी या कोई गलत चीज़ आप लेंगे। एंड गलत चीज़ लेने से पहले आपके मन में थॉट्स आते हैं उसको लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अल्कोहल पीना है या स्मोकिंग करनी है या किसी और चीज़ में आपको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है उसकी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको, अब सबको पता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग से कैंसर कॉजिंग एजेंट है, करेक्ट. बट कंट्रोल नहीं रहता लोगों का, वो करते हैं। तो मैं समझ गया कि ये, और इसका एक स्टोरी भी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये थॉट्स बेसिकली ये थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं माइंड के। और जैसे मैं अभी आपके यहाँ पे आके बैठा, तो मुझे नहीं पता कि इस रूम में क्या एनर्जी हो, ये रूम बंद रहता है, यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, और सबके साथ एनर्जीज हैं, हर इंसान के साथ एनर्जीज ट्रेवल करती हैं उनके साथ में, वो सब देखती हैं, सब जानती हैं। एंड ये जो निगेटिव एनर्जीज हैं, इट्स लाइक अ डेविल, ये कुछ भी अच्छा नहीं करने देगी, कुछ भी अच्छा सोचने नहीं देगी, कुछ भी अच्छा बोलने नहीं देगी। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए और एक पॉजिटिव ऑरा बनाने के लिए, यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाने के लिए मैंने गंगा जल छिड़का, ताकि अब मैं जो बोल सकूँ। इवन आपके पॉडकास्ट शुरू करने से पहले भी मैंने 30 सेकेंड्स मन में यही हाँ, बोल आपने बोला. मैंने यही बोला 30 सेकेंड्स मन में कि यूनिवर्स एंड गॉड, मेरे मुँह से वही वर्ड निकले जो दुनिया के लिए बेहतर हो, मैं कुछ भी इधर उधर का ना बोल पाऊँ। तो इसी इंटेंशन से ये पॉडकास्ट शुरू करा मैंने फिर। ग्रेट. और आई जी थिंक आज इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोगों को भी हेल्प मिलेगी जी इन जी टर्म्स ऑफ लाइक, आज की डेट में बोल देते हैं ना लोग बाग कि यार मेरे को बहुत एनजाइटी है, जी डिप्रेशन है, मैं बिल्कुल ऐसा हो रहा हूँ कि मेरा काम करने का मन नहीं करता. तो हम एक काम करते हैं, इस पॉडकास्ट की शुरुआत ना हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इन कंपेरेटिवली पॉजिटिव एनर्जी, जी। ऐसा क्यों है? इस सर देखिए, जो ऑफ कोर्स जाहिर सी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो इंसान नहीं करता, देखिए चाहे आपका स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल हो गया या लस्ट में हो गया, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, बैड वीडियोस देखने हो गए, डिज़ायर्स हो गए प्लेजर्स की, तो ये कुछ ऐसे प्लेजर्स हैं जिसको जिस पे इंसान का काबू नहीं है, जो सबको अच्छे लगते हैं। आप किसी ऐसे इंसान को भी ये कराओगे, ऐसे इंसान को भी कभी आप अल्कोहल पिलाना जिसने लाइफ में कभी अल्कोहल ना पिया हो, तो वो उसको स्टार्टिंग में तो वो चीज़ आपको पता है कड़वी लगेगी, बट जब वो उसके इन्फ्लुएंस में आएगा और जब उसको एक मज़ा आएगा, तो वो भी उसके हैंगओवर से निकलने के बाद बोलेगा यार मज़ा आ गया। तो ये एक कॉमन प्लेजर तो है ही है, ठीक है। इसीलिए लोगों को बैड चीज़ों में ज़्यादा इन्जॉयमेंट आता है। जैसे आपसे कोई बोले कि आपको करेले का जूस पीना है, आप नहीं पियोगे, बट वहीं अगर वो मैंगो शेक ला के दे देगा, आप पी लोगे। तो जो सारा ह्यूमन, खेल इसका है. सारा खेल टेस्ट का है, हाँ. एंड सारा खेल कि आपको वो चीज़ कैसी, अब जैसे कई सारे लोगों को मैंगो शेक भी नहीं अच्छा होता होगा, बट आपकी बॉडी को कैसा वो फील कर रहा है, कैसे आप फील कर रहे हो उस चीज़ को। तो ये जो प्लेजर्स हैं यही सबको पसंद होते हैं, इस वजह से वो करते हैं, और नेगेटिव मतलब बैड थिंग्स में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो इन्हीं प्लेजर्स को बार बार रिपीटिंग मोड में आपके माइंड में चलाती रहती हैं, तो आप उस पर लगे रहते हैं एंड देन एक टाइम के बाद आपको डिसीज कॉज हो जाती है। ओके.